गलती करते हैं वो बहुत तनाव से फोर्सफुल अभ्यास करते हैं। कैसे? अब मोबाइल वाली जो कपाल भाती है, ये मोबाइल वाली कपाल भाती है, देखिए कैसे करेंगे। तरीके से कपाल भाती करने का कोई मतलब नहीं हुआ आपको, इस तरीके से कपाल भाती करने से देखिए कोई लाभ नहीं मिलेगा, बस आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। कपाल भाती का अभ्यास करते सभी लोग हैं, लेकिन यकीन मानिए 90% लोग कपाल भाती करते वक्त गलतियां करते हैं। और ये गलतियां कोई जानबूझ के नहीं करता है, क्योंकि अज्ञानता है, जानकारी नहीं है, सही टेक्निक नहीं पता, किसी ने बताया नहीं कि गलती हो रही है या सही कर रहे हैं। तो घबराइए मत, ये वीडियो आज आपके लिए है। आज कपाल भाती में होने वाली अमूमन जो गलतियां मैंने अपने आसपास देखी हैं वो आप सभी से बताऊंगी। अगर ये गलतियां आप करते हैं तो आप ना करें, और अगर आपका दोस्त ये गलतियां करता है तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो मुझे बहुत खुशी है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की वीडियो आप कभी भी मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले जानते हैं कि कपाल भाती है क्या। कपाल भाती हठ योगा में बताई गई क्लिंजिंग की एक टेक्निक है, यानी यौगिक क्रिया है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो कपाल भाती का अभ्यास शरीर की साफ सफाई, यानी बाहर से तो नहाते हैं साफ सफाई हो गई, लेकिन इसका अभ्यास करने से अंदरूनी साफ सफाई होती है। इसका अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो कई सारे असाध्य से असाध्य रोग भी ठीक हो सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अमूमन लोग करते हैं। सबसे पहली गलती देख लीजिए क्या होती है। सबसे पहली गलती होती है चेहरे पर अत्यधिक तनाव देते हैं, यानी चेहरे को सिकोड़ना, चेहरे का अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशन बनाना, यानी चेहरे की पूरी जो रूपरेखा है उसको ही बिगाड़ देना। तो इस तरीके से नहीं करना है, चेहरे की जो रूपरेखा है इसको नहीं बिगाड़नी, चेहरे को कम्प्लीटली आपको रिलैक्स रखना है। इस तरीके से अब दूसरी गलती की बात करते हैं कि जब भी कपाल भाती करते हैं तो गर्दन में अत्यधिक तनाव देते हैं। कैसे? तो इस तरीके से गर्दन को आगे पीछे नहीं करना है, गर्दन को कम्प्लीटली रिलैक्स रख। अगली जो गलती हमने देखी है वो देखी है कि लोग अपने कंधों को बहुत हिलाते रुलाते हैं, ऊपर नीचे जितना हिला डुला सकते हैं ना वो सारी चीजें होती हैं। कैसे? इस तरीके से कंधों को नहीं हिलाना है, कंधों को क्या करना है, कंधों को रिलैक्स रखना। अगली गलती जो देखी है हमने वो रीढ़ की हड्डी को बहुत ज्यादा हिलाते डुलाते हैं। कैसे? साइड से जरा देखिए, इस तरीके से। ये गलती नहीं करनी, अगर आप इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को हिलाते हैं वो सही बात नहीं है, क्योंकि जब आप कपाल भाती करते हैं ना तो जो शरीर की ब्लॉकेज है, जो हमारी एनर्जी चैनल्स में ब्लॉकेज है, जो नस नाड़ी में ब्लॉकेज है, उनको ये अभ्यास खोलता है। तो रीढ़ की हड्डी को आपको सीधा रखना है, इरेक्ट, ताकि ऊर्जाओं का जो प्रवाह है वो सुचारू ढंग से चल पाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो रीढ़ की हड्डी को देखें, ऐसे ऐसे सीधा रखना है। अगली जो गलती होती है, हमेशा क्या करते हैं लोग, इस तरीके से अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका लेंगे इस तरीके से, और क्या होता है ना कि उनके बैठने की आदत ही इस तरीके से होती है, तो हमेशा उनकी स्पाइनल कॉर्ड जो होगी ना इस तरीके से राउंडेड होगी, और फिर उस तरीके से अभ्यास करेंगे। तो ये अगर आप गलती करते हैं ना करें, जैसे कि मैंने पिछला आपको लॉजिक समझाया था कि ऊर्जाओं का जो प्रवाह है योग का अभ्यास करते हैं तो ऊर्ध्वगामी होता है, तो अगर आप इस तरीके से रीढ़ की हड्डी को झुका के ऐसे मूव करेंगे तो इससे ऊर्जाओं का जो प्रवाह है वो ऊर्ध्वगामी ना होगी, वो ब्लॉकेज ठीक तरीके से खुलती नहीं है। और साथ ही इस तरीके से आप जब अभ्यास करते हैं तो इसका बहुत बुरा असर जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी पर होता है। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपनी रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से सीधा रखना है। इमेजिन करना है कि आप
सामने किसी इंसान से बात करते हैं और कभी भी बात करते हैं ऐसे तो बात नहीं करते ना, आप क्या करते हैं ऐसे सामने देखते हुए आराम से ऐसे बात करते हैं, या अपने आप को जब शीशे में आप खुद को शरीर को निहारते हैं देखते हैं तो कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं खड़े होकर, ऐसे तो नहीं देखते। तो इस चीज़ को भी गलती ना करें। अगली जो गलती करते हैं वो बहुत तनाव से फोर्सफुल अभ्यास करते हैं, कैसे इतना अभ्यास इस तरीके से फोर्सफुल अगर आप करेंगे तो कान नाक आँख पूरे शरीर में बड़ा दबाव पड़ रहा है, तो इतनी ज़ोर ज़ोर से तनाव से अभ्यास नहीं करें, बड़ी जेंटल तरीके से शांत बैठ के और आराम से शांत चित्त होकर अभ्यास करना, बहुत ज़ोर ज़ोर से इस तरीके से फोर्स नहीं लगाना है। दोस्तों अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को इस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, इस तरीके से शेड्यूल किया जाता है कि आप अलग अलग तरीके के आसन सीख सकें, प्राणायाम सीख सकें, ध्यान सीख सकें, साथ ही यौगिक क्रियाएं सीख सकें, योग निद्रा डीप रिलैक्सेशन सीख सकें, ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ में सुधार मिल पाए। अब इन क्लासेस को कौन ज्वाइन कर सकता है? इन क्लासेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आप कंप्लीट बिगनर हैं, आपने कभी योग का अभ्यास नहीं किया, अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस को और डीपन करना चाहते हैं, या तो फिर आपको किसी भी तरीके की हेल्थ कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीरियड्स रिलेटेड समस्याएँ हैं महिलाओं को, या कि फिर मोटापा बढ़ गया है या मोटापा घटाना चाहते हैं, अत्यधिक मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, एंग्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो ये क्लासेस हाईली बेनिफिशियल हैं, क्योंकि मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ना उनको इन क्लासेस से बहुत फ़ायदा मिला है और उनकी मेडिकेशन भी बहुत हद तक कम हो गई है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ कुछ टाइम की कमी होती है जिसके कारण वो सुबह 7 बजे से 8 बजे क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, योगा फॉर बिगनर्स का कोर्स, प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स, जिनको परचेस करने के बाद आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में इन वीडियोज़ को प्ले करके अपने अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। और जो ये कोर्सेस मैंने डिज़ाइन किया है ना, ये भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लिए बिना इन कोर्सेज के माध्यम से अपनी जो योग की जर्नी है उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। इन क्लासेस और इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट शेयर कर रही हूँ जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर आप एक WhatsApp भी कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि आपको क्लास के बारे में सारी की सारी जानकारी आपके WhatsApp में भेज दी जाए। तो बिना देरी किए जाइए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए या कि फिर एक WhatsApp करिए और इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। पेट की भी हरकतें जो करते हैं ना, इसमें भी एक बार देख लीजिए, पेट की जो मूवमेंट होती है इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस तरीके से पेट को खींचते हैं अंदर, इस तरीके से पेट को खींचते हैं, यानी तनाव डाल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की भी मूवमेंट हो रही है और पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। इस तरीके से जब आप पेट को खींचते हैं ना, तो अमूमन बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि कपाल भाती करते करते उनके पेट में दर्द हो गया, या रीढ़ की हड्डी में दर्द हो गया, या साइड में दर्द हो गया। इसका कारण यही है कि आपको पेट को इस तरीके से खींचना ही नहीं है, सिर्फ आपको सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना है, सांसों को छोड़ने पर ध्यान देना और इस तरीके से पेट को इस तरीके से ज़बरदस्ती खींचना नहीं है, पेट को एकदम रिलैक्स रहने देना है और अपनी अभ्यास पर ध्यान देना है। अगली गलती अमूमन लोग करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे, कि उनको कहीं बस भागना है, उनकी रेलगाड़ी छूट रही है, तो कैसे अभ्यास करेंगे, ये गलतियां अगर आप करते हैं खुद भी तो ये गलतियां ना किया करें, और अगर आप किसी को देखते हैं तो उनको भी मना करें कि इस तरीके से अगर करते हैं अभ्यास तो आप अपना बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे, इससे आपको कपाल भाती में कोई भी फर्क नहीं, से कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। तो बहुत शांति से बैठे हुए, अब आजकल WhatsApp का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग जो अगली गलती मैं बताने वाली हूँ वो गलती ना करें? तो लोग कैसे गलतियाँ करते हैं,
अब मोबाइल वाली जो कपाल भाती है, ये मोबाइल वाली कपाल भाती है, देखिए कैसे करेंगे। कई तो अपनी मीटिंग की कॉन्फ्रेंस जो होती है सुबह सुबह की, बहुत से लोगों की मीटिंग हुआ करती है अगर, तो वो मोबाइल कपाल भाती करते हुए ही म्यूट पे डाल देंगे और इस तरीके से सुनते रहेंगे और उनकी कपाल भाती होती रहेगी। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक योग का अभ्यास कर रहे हैं आप, तो आपको एकाग्रचित होना है। आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसको कनेक्ट करिए, क्योंकि ये जो अभ्यास कपाल भाती का है, ये आपके शरीर, आपके मन, आपकी आत्मा को जोड़ने का काम करती है, एक यूनियन का काम करती है। तो कभी भी जब आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हों, मोबाइल तो आप अपना किनारे ही रख दें, डिस्ट्रैक्टेड हों तो इस तरीके के अभ्यास ना करें। जब भी आप अभ्यास करने के लिए बैठें, अपना मोबाइल, टीवी और लैपटॉप में कोई गाने बज रहे हैं, उन सब को किनारे करें और आप जो अभ्यास कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ये तो हो गई मोबाइल वाली कपाल भाती का अभ्यास। अब अगला जो अभ्यास आप नॉर्मली देखेंगे कि लोग जब बाहर स्पेशली ये प्रैक्टिस करते हैं या घर पर कोई काम हो रहा है या आसपास लोग आ रहे हैं तो क्या करेंगे, ऐसे लगेगा कि कपाल भाती नहीं कर रहे हैं, कपाल भाती के नाम से टाइम पास कर रहे हैं, या कि फिर आराम से ऐसे किसी भी लाइक तरीके से बैठ जाएंगे और इस तरीके से आराम से तो इस तरीके से कपाल भाती करने का कोई मतलब नहीं हुआ। आपको इस तरीके से कपाल भाती करने से देखिए कोई लाभ नहीं मिलेगा, बस आप अपना टाइम पास कर रहे हैं। गलतियों को हमने समझ लिया, अब मैं आपको बताती हूँ कि कपाल भाती की जो टेक्निक है वो आप किस तरीके से करेंगे। सिंपल तरीके से बताती हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आरामदायक किसी मेडिटेटिव पॉस्चर में बैठ जाना है। मेडिटेटिव पॉस्चर का मतलब कि जिस आसन में बैठकर आप आसानी से ध्यान कर सके, यानी आराम से पालथी मार के बैठ जाए अगर आपको कोई आसन नहीं पता, या कि फिर आप सिद्धासन में बैठ जाया करें। तो सब बैठने के लिए सिद्धासन का जब आप अभ्यास करेंगे, अपनी लेफ्ट टेढ़ी को अपने जेनाइटल के इस तरीके से करीब लेके जाएं और फिर उसके बाद राइट पैर को इस तरीके से मोड़ लें, ताकि एक आपको ब्रॉड बेस मिल गया, आपको बैठने का एक जो आसन है ये काफ़ी चौड़ा मिल गया। घुटना नीचे की तरफ है, अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है और आपकी एड़ी का दबाव आपके जेनाइटल पर पड़ रहा है। महिलाओं को वजाइनल ओपनिंग पर और पुरुषों को आपके टेस्टिकल्स को ऊपर रखना है और एड़ी को अंदर की तरफ रखना है, ताकि ऊर्जाओं का प्रवाह ऊर्ध्वगामी हो। इतना कर लिया अभ्यास, अगर आपको बन रहा है तो आप अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से, लेफ्ट पैर की थाई और काफ को ऐसे ओपन करें और उसके अंदर दाहिने पैर के तलवे को हल्का सा अंदर की तरफ पुश करें। लेकिन इस अभ्यास के लिए आपको थोड़ा सा एंकल की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तब आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। तो ये हो गया सिद्धासन, कमर गर्दन को सीधी कर लिया और अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखा और फिर उसके बाद चेहरे को कम्प्लीटली रिलैक्स रखेंगे, गर्दन को रिलैक्स रखेंगे, कंधों को रिलैक्स रखेंगे। जो मूव होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ पेट होगा, ठीक है। आपके समझने के लिए, सहूलियत के लिए, मैंने अपने दाहिने हाथ को अपने पेट के ऊपर रखा हुआ है और ये ऑप्शनल है, आप दोनों हाथों को घुटने पर रखेंगे, चूँकि पेट मूव कर रहा है यानी ये आपको समझना ज़रूरी है। तो आप क्या करेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे, मुंह को बंद कर लेंगे और सिर्फ नाक से सांस छोड़ेंगे। कैसे, इस तरीके से जब आप अभ्यास कर लें, तुरंत आँखों को बिल्कुल ना खोलें और फिर उसके बाद शांति से बैठे हुए अपने मन मस्तिष्क में जो बदलाव हो रहे हैं इसको जानेंगे, शांत बैठे रहेंगे, आँखों को तुरंत बिल्कुल नहीं खोलेंगे, कम से कम एक मिनट या पाँच मिनट शांति से बैठे रहें और सहज स्वाभाविक बदलावों को जानते रहें। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने बड़ी तसल्ली से आपको एक एक गलतियाँ
उन गलतियों को किस तरीके से सुधारना है और साथ ही कपालभाति सही तरीके से कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो, सही टेक्निक आप सीख सकें और फिर ये गलतियाँ ना करें ताकि कपालभाति के जो स्वास्थ्य लाभ हैं उनसे आप वंचित ना रह जाएं। आप खुद भी इस तरीके के अभ्यास करें, इन वीडियो से सीखें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड करके शेयर करके जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चाहते हैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। आपके बताए हुए टॉपिक पर मुझे वीडियो बना के बेहद खुशी होती है। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी। आप सभी अपना ख्याल रखें और निरंतर योग का अभ्यास करते रहें। नमस्ते।